सो इधर मुझे मिला एक यूनिक चीज़, मैं आपको दिखाता हूँ। सो स्टे ट्यून गाइस इन 3, 2, 1। सो आपको टाइटल और थंबनेल से तो पता चल ही गया रहेगा कि आज के व्लॉग में क्या होने वाला है। सो वो खासियत चीज़ कहाँ पे दैट ट्री हाउस, वो है, पहले मैं चश्मा पहन लेता, नहीं तो धूप बहुत ज़्यादा है। तो वो किधर है मैं आपको व्लॉग में बताता हूँ कुछ ही देर में, तब तक आप व्लॉग पे रहिए गाइस। और वो एक खासियत चीज़ नहीं है, हाँ वो जगह का वो एक खासियत चीज़ है, बट एक और खासियत चीज़ बताता हूँ, तब तक मैं कुछ ही देर में वो भी थोड़ा टाइम में बताता हूँ। सो स्टे ट्यून गाइस। सो वेलकम बैक टू द चैनल एवरीवन, दिस इज इस्तांबुल। आई होप एवरीवन इज़ डूइंग ग्रेट। सो चलिए, एक और फ्रेंड भी आएगा आज फाइनली, इतना व्लॉग सोलो करने के बाद फाइनली एक जन वापस आएगा इतने दिनों के बाद। तो चलिए अब उसको उधर डायरेक्टली मिलते हैं। सो जैसे कि मैंने बोला था कि इस व्लॉग में दो खास चीज़ होने वाले हैं, तो एक चीज़ का भी एक और चीज़ जो खास आप व्लॉग में क्लिक किया वो मैं आपको कुछ ही देर में बताता हूँ। बट एक और चीज़ जो मेरे साथ है आज, मेरा दोस्त जो मैं, जैसे कि मैंने आपको बोला था मैं सोलो नहीं आने वाला हूँ, तो वो आ चुका है हमारे साथ, दैट इज बटरन एज अ वीडो, जो बिलोंग करता है गोवा से, बट उस कितना बिलोंग पर अभी मुंबई में फ़िलहाल के लिए रहता है, बट उसको गोवा इतना पसंद है ना कि हर एक महीना गोवा जाता रहता है। मैं बोलता किधर जा रहा है बटरन, फ़ोन करके गोवा गोवा, हम लोग को तीन वर्ड बोलने को इतना डिफिकल्ट होता है, गोवा करके जाएंगे अपना प्लान कभी बनता है कैंसिल, प्लान बनता है कैंसिल, बनता है कैंसिल। ये तो भाई बंदा तीन चार बार तो साल में तो जाता ही अपन गोवा में। देखो इस बंदे के मज़े। ये थोड़ा शर्माता है कैमरा पे, इसलिए मैंने उसके ऊपर फोकस डायरेक्टली ऐसा कर दिया, मैंने ऐसा फोकस। अभी व्लॉग जो होगा सिर्फ मोबाइल से होगा, मोबाइल से तो मैं हमेशा व्लॉग करता ही हूँ, बट अभी मेरा ट्राईपॉड एंड माइक नहीं आने वाला है क्योंकि उधर गार्डन में अलाउड नहीं है। तो चलिए उस प्लेस में जाते हैं अभी गाइस। सो हम लोग पहुंच चुके हैं द लोकेशन में। सो आज का लोकेशन है निर्वाणा गार्डन, दैट इज आल्सो नोन एज हीरानंदानी गार्डन। आप हीरानंदानी गार्डन करके लिखोगे तो आपको लोकेशन इधर ही पहुँचाएगा। तो ये है उसका इंसान जैसे कि देख रहे हो, छत्रपति शिवाजी का एकदम, आप शॉर्ट्स में देख ही लोगे। सो स्टेज गार्डन में। सो ये गार्डन है हीरानंदानी में, जो पवई प्लाजा के नज़दीक भी बोलोगे तो भी आप पहुँच जाओगे। सो आई होप आपको ये सीन अच्छा लगा रहेगा, सो इसके लिए लाइक कर दीजिए। तो मैं आपको एक और यूनिक चीज़ दिखाता हूँ, सो स्टे ट्यून गाइस। सो इधर मुझे मिला एक यूनिक चीज़, मैं आपको दिखाता हूँ। सो स्टे ट्यून गाइस इन 3, 2, 1। सो रेडी, सो दिस इज कम्प्लीटली अ डिफरेंट केव्स जो मेरे को अभी दिखा, तो आपका इसका शॉट दिखा देता हूँ। पता नहीं आपको गाइस ये समझ रहा है कि नहीं, मेरे को भी पता नहीं ये क्या चीज़ है, कैमरा में समझ रहा है कि नहीं, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो ये क्या चीज़ है। टचिंग से तो कुछ अलग ही लग रहा है पृथ्वी जैसा, बट वो चीज़ है कि नहीं, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो क्या चीज़ हो सकता है ये।
यहाँ पे आपको बच्चों के लिए भी एक प्लेइंग एरिया भी मिलता है, आपको दिखाता हूँ मैं। सो स्टे ट्यून गाइस। सो बहुत बड़ा गार्डन लग रहा है, बट देखते हैं अभी कितना टाइम में हम लोग ये गार्डन एक्सप्लोर कर पाएंगे। और हम लोग शाम के 3 बजे आए, इसलिए थोड़ा सा गर्मी ज़्यादा लग रही है। तो ठीक है, आप तब तक इस स्लाइड का सीन इंजॉय। चीज़ मुझे जो यूनिक लगा इस गार्डन के बारे में, इज दिस वन, पता नहीं सीटिंग एरिया जैसा लग रहा है, बट इज इट सीटिंग एरिया ज़ोनो, आई डोंट नो। सो आप इसका शॉट देख लीजिए गाइस। सो मुझे आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि जब भी आप पब्लिक प्लेसेस में आते हो, जैसे कि गार्डन्स या किधर जाते हो, सपोज लाइक पब्लिक प्लेसेस एंड ऑल, आप ज़रूर मास्क पहनिए। ऐसा पहन के भी नहीं, ऐसा फुली मास्क पहन लीजिए, बिकॉज इधर आजू बाजू सब पब्लिक रहते हैं। और मैंने बहुत सारे पब्लिक को इधर नोटिस किया कि अपना मास्क नहीं पहन रहे, तो इट्स बेटर टू वेयर योर मास्क वेर एवर यू आर इन, वेदर यू आर इन गार्डन और सम क्राउडेड प्लेस। सो आप वॉक भी कर सकते हो, जैसे कि देख रहे हो, आपको इधर का स्ट्रीट्स भी आपको दिखाता हूँ। मतलब कि इतना मज़ा आने वाला ना गार्डन में, आपको एकदम अलग ही वाइब्स है, अलग अलग गार्डन के अलग अलग वाइब्स है। तो आपको मैं इसका शॉट निकाल के दिखाता हूँ, सो स्टे ट्यून गाइस। द पॉन्ड आप जो देख रहे हो अभी, इसमें आपको गोल्ड फिश भी दिखता है, जैसे कि आपको शायद से दिख रहे हैं कि आई डोंट नो, बट गोल्ड फिश भी दिखता है। तो इसका सीन दिख जाए, बहुत वंडरफुल गार्डन। आपको ये वाला सीन भी अच्छा लगा रहेगा। तो इधर बहुत सारी चीज़ें हैं जो गार्डन में हम लोग एक्सप्लोर करने हैं। आने वाला जो रिवीलिंग टाइम, जिससे आपने मेरा टाइटल और थंबनेल पे क्लिक किया है, तो आर यू रेडी गाइस? सो स्टे ट्यून्ड गाइस। सो धीरे धीरे देख लीजिए, ये है वो, द USP बोल सकते हो, द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बोल सकते हो, अब क्या क्या बोल सकते हो अब आपकी लैंग्वेज में कमेंट करके बता दीजिए। दिस इज़ द ट्री हाउस, जैसे कि आपको दिख रहा पीछे से, उसमें चढ़ेंगे भी अभी, देखते हैं। पहला आपको इधर का एक सीन भी दिखाता हूँ उससे पहले। आई होप आपको ये सीन भी अच्छा लगा था, और ट्री हाउस का जो इधर का सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, USP जो भी बोल सकते हो आप इस गार्डन का। और अल्लाह इससे को याद है कि मैंने अपने इधर फोटो शूट भी किया था, और देख अपना ये भी था तभी। सो नाउ वी आर गोइंग टू क्लाइम दिस, द USP ऑफ दिस प्लेस।
दैट इज ट्री हाउस. सो स्टे ट्यून गाइस. तो बटरिन मेरा सीन लेने आ रहा है. सो स्टे ट्यून. आई होप आपको अच्छा लगेगा. सो इसके लिए कमेंट और लाइक कर दीजिए गाइस. पहुंच चुके हैं हम लोग ऊपर. अपने उस सीन में देख लिया, जो सीन लिया वो बटरिन अजावीडो ने लिया. उसको इंस्टाग्राम में फॉलो कर दीजिए गाइस. थोड़ा सा कैमरा में शाही है क्यों पता नहीं. तो तब तक हम लोग ऊपर के सीन के कुछ शॉट्स लेंगे. सो स्टे. ऊपर का सीन और ऊपर से लिया वाला सीन अच्छा लगा रहेगा. सो इसके लिए लाइक कर दीजिए गाइस. सो ये झाड़ जो देख रहे हो दैट इज द ट्री हाउस का ही पार्ट है. तो इसका भी एक सीन एंजॉय कीजिए. बहुत अच्छा वाला लग रहा है. पता नहीं कैमरा में क्या समझ में आ रहा है कि नहीं. सो दिस गार्डन हैज लॉट टू ऑफर. जैसे कि आपने मेरा ये वाला भी देखा अभी जस्ट में चल रहा था एंड ऑल. सो अभी ये वाला टिकट पहला जब मैं आता था कॉलेज टाइम्स में तब ये गार्डन में तभी टिकट होता था. अभी आई थिंक सो ड्यू टू कोविड सीनारियोज एंड ऑल बिकॉज ऑफ दैट अभी टिकट नहीं ले रहे. सो इट्स फ्री. सो हमारा यहाँ से निकलने का समय आ चुका है. सो तब तक आप एक लास्ट टूर ऑफ दिस गार्डन देख लीजिए. गार्डन का सफ़र हुआ ख़त्म. आई होप आपको अच्छा लगा रहेगा. अगर तो अच्छा लगा रहेगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्लीज़ प्रेस द बेल आइकॉन. अगर वीडियो अच्छा नहीं लगा तो यू कैन हिट द डिसलाइक बटन. और मुझे सोशल मीडिया पर फॉलो नहीं कैन एंड डू फॉलो मी ऑन माई सोशल मीडिया हैंडल. दिस इज माई आईडी. और अगर और नए नए मुंबई का प्लेस एक्सप्लोर करना चाहते हो और कौन सा नया नया प्लेसेस है तो मुझे इसी चैनल पर सब्सक्राइब कीजिए और इंस्टाग्राम में फॉलो कीजिए गाइस. मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट व्लॉग में. टिल देन स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, स्प्रेड हैप्पीनेस एंड डू व्हाटएवर मेक्स यू हैप्पी. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग क्लियर. और ये है अपना हीरा नंदानी अपना व्लॉग एंड. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग क्लियर.